जीवों में भ्रूणीय विकास या एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट के बारे में जो इस वीडियो का पहला भाग था उसमें हम लोगों ने देखा था कि प्रकृति में जीव अपने जो लैंगिक प्रजनन करते हैं वो तीन समूहों में उन्हें बांटा गया था। पहला था ओवीपैरस जो कि अंडे देते हैं, दूसरा था बीवीपैरस जो कि शिशु उत्पन्न करते हैं, और तीसरा था ओवोबीवीपैरस यानी कि वह प्राणी जो अंडे देते हैं परंतु यह अंडे शरीर में ही रोके जाते हैं और उनका विकास माता के शरीर के अंदर यानी कि शिशु के बाहर अंडे से शिशु के बाहर निकलने तक होता है। उसके पश्चात उनके शरीर से शिशु बाहर निकलता है, लेकिन ये इस बात में भिन्न है कि ओवोबीवीपैरस के जो जीव हैं उनमें प्लेसेंटा जैसी कोई संरचना नहीं बनती, अर्थात जो शिशु या जो अंडा अंदर रोका गया है उसको अब मदर से कोई न्यूट्रिशन नहीं मिलता है, बल्कि अंडे में ही जो योग संचित है उसी से भ्रूण का विकास होता रहता है। इनमें वह प्राणी जो बीवीपैरस हैं अर्थात शिशु उत्पन्न करते हैं उनके अंडे सामान्यतः योग रहित होते हैं या उनमें योग की मात्रा बहुत कम होती है। ऐसे में ये प्राणी भ्रूण के विकास की प्रारंभिक अवस्था में ही इनमें एक विशेष संरचना का विकास होता है जिसे प्लेसेंटा कहते हैं। इस प्लेसेंटा के माध्यम से जीव जो भ्रूण विकसित हो रहा है वह मदर के यूट्रस से जुड़ता है और इसी यूट्रस से वह अपना पोषण प्राप्त करता है तथा इसी के द्वारा वह जो उसके शरीर में उत्सर्जी पदार्थ बन रहे होते हैं वो मदर के शरीर में स्थानांतरित करता है जहाँ से ये शरीर से बाहर निकाल दिए जाते हैं। तो प्लेसेंटा यूथीरियन मैमल्स में बनने वाली वह स्पेशल संरचना है जिसके द्वारा विकसित हो रहा भ्रूण मदर यूट्रस से जुड़ता है और अपने विकास के लिए वह न्यूट्रिशन प्राप्त करता है तथा उसके शरीर में उत्पन्न होने वाले उत्सर्जी पदार्थों को वह प्लेसेंटा के माध्यम से मदर के शरीर में स्थानांतरित करके उसे शरीर से बाहर निकाला जाता है। नाउ कंपोजिशन ऑफ प्लेसेंटा। यूथीरियन मैमल्स में जो प्लेसेंटा बन रहा है वो स्ट्रक्चरली प्लेसेंटा कंसिस्ट ऑफ टू डिफरेंट पार्ट्स, यानी कि यूथीरियन मैमल्स का जो प्लेसेंटा है उसके दो प्रमुख भाग होते हैं। पहला भाग जो है वो माता की साइड से प्राप्त होता है और इसमें तीन भाग होते हैं। पहला है यूटेराइन एपिथीलियम यानी यूट्रस की सबसे बाहरी परत, इसके पीछे यूटेराइन कनेक्टिव टिश्यू होते हैं और इन्हीं कनेक्टिव टिश्यू में बीच बीच में मैटरनल ब्लड कैपिलरीज पाई जाती हैं। एंड सेकेंड पार्ट व्हिच टेक्स पार्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ प्लेसेंटा इज फीटल पार्ट। प्लेसेंटा के निर्माण में जो दूसरा भाग है वो इम्ब्रियो की तरफ का भाग होता है जिसको फीटल पार्ट कहते हैं, और इसमें भी मैटरनल पार्ट के तरह ही तीन भाग होते हैं। एक बाहरी परत जो कि कोरियानिक एपिथीलियम का बना होता है और यूटेराइन एपिथीलियम के सीधे संपर्क में आता है, इसके पीछे फीटल कनेक्टिव टिश्यू होता है और इनमें फीटल ब्लड कैपिलरीज पाई जाती हैं। तो स्ट्रक्चरली यूथीरियन प्लेसेंटा कंसिस्ट ऑफ टू डिफरेंट पार्ट्स, फर्स्ट मैटरनल पार्ट्स विच कंसिस्ट यूटेराइन एपिथीलियम यूटेराइन कनेक्टिव टिश्यू मैटरनल ब्लड कैपिलरीज, सेकेंड पार्ट इज फीटल पार्ट विच इज फर्निश्ड बाई डेवलपिंग फीटस एंड इट आल्सो कंसिस्ट ऑफ थ्री पार्ट्स कोरियानिक एपिथीलियम फीटल कनेक्टिव टिश्यू एंड फीटल ब्लड कैपिलरीज। नाउ टाइप ऑफ प्लेसेंटा। प्लेसेंटा कैन बी क्लासिफाइड ऑन फॉलोइंग बेसिस। जो यूथीरियन मैमल्स में प्लेसेंटा पाए जाते हैं वो अलग अलग आधारों पर वर्गीकृत किए गए हैं, अलग अलग आधारों पर अलग अलग प्रकार से वर्गीकृत किए जाते हैं, और इनमें पहला आधार है मोड ऑफ इम्प्लांटेशन। इस आधार पर प्लेसेंटा का वर्गीकरण हमने इससे पहले वाले वीडियो में उसका डिस्कस किया था।
मोड ऑफ इम्प्लांटेशन का अर्थ है कि भ्रूण का प्लेसेंटा के माध्यम से जुड़ाव यूट्रस में किस प्रकार का होता है, क्या वह प्लेसेंटा के द्वारा यूट्रस की कैविटी में उसकी वाल से बाहर आते हुए प्लेसेंटा के द्वारा जुड़ा होता है, उसे सुपरफिशियल टाइप का इम्प्लांटेशन कहते हैं। अगर यूट्रस की वाल अंदर धंस के एक गड्ढा बनाती है जिसमें एम्ब्रियो स्थापित हो जाता है और फिर वह प्लेसेंटा के माध्यम से जुड़ता है तो उसे एक्सेंट्रिक टाइप का इम्प्लांटेशन कहते हैं। और तीसरा एक प्रकार था जिसमें जो डेवलपिंग एम्ब्रियो है वो पूर्ण रूप से यूटेराइन वाल के अंदर बंद होता है, इसको इंटरस्टिशियल टाइप ऑफ प्लेसेंटा कहते हैं। इसका डिस्क्रिप्शन हम लोगों ने पिछले वीडियो में देखा था विथ फिगर, तो अगर कोई कन्फ्यूजन है तो पिछले वीडियो में एक बार फिर से उसको देख लेंगे। ऑन द बेसिस ऑफ मोड ऑफ इम्प्लांटेशन द प्लेसेंटा इज थ्री टाइप्स, फर्स्ट सुपरफिशियल टाइप्स, सेकेंड एक्सेंट्रिक टाइप्स एंड थर्ड इंटरस्टिशियल टाइप्स। मोड ऑफ इम्प्लांटेशन मीन्स द मेथड बाई विच एम्ब्रियो अटैच इट्सेल्फ टू द यूटेराइन वाल व्हेन इट इज अटैच्ड फ्रॉम आउटसाइड टू द यूटेराइन वाल, देन इट इज नोन एज सुपरफिशियल टाइप। व्हेन यूटेराइन वाल फॉर्म ए डिप्रेशन और ए फोल्ड इन व्हिच डेवलपिंग एम्ब्रियो सबमर्ज्ड एंड अटैच विद द यूटेराइन वाल, देन इट इज नोन एज एक्सेंट्रिक टाइप ऑफ प्लेसेंटा। एंड व्हेन डेवलपिंग एम्ब्रियो कंप्लीटली सबमर्ज्ड इन साइड द वाल ऑफ यूट्रस, देन इट इज नोन एज इंटरस्टिशियल टाइप ऑफ प्लेसेंटा। तो पहला जो मोड ऑफ क्लासिफिकेशन है वो उसका वर्णन हम लोगों ने पहले देखा है, आज हम लोग देखेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ प्लेसेंटा ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री ऑफ एसोसिएशन। हियर द डिग्री ऑफ एसोसिएशन मीन्स हाउ मच इंटेंसिटी और हाउ मच स्ट्रेंथ प्रेजेंट बिटवीन प्लेसेंटा एंड यूटेराइन वॉल। मतलब जो प्लेसेंटा है और यूट्रस की जो वाल है एपिथीलियम है, उन दोनों के बीच कितनी मजबूती होती है, यानी कि प्लेसेंटा यूट्रस के वाल से कितना मजबूती के साथ जुड़ता है, इसको हम कहते हैं डिग्री ऑफ एसोसिएशन। किस हद तक कितनी मजबूती से वह एसोसिएशन कर रहा है, जुड़ाव कर रहा है एम्ब्रियो यूटेराइन वाल से बाई प्लेसेंटा। और इसमें अगला है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ बिलाई ऑन कोरियन, और लास्ट है ऑन द बेसिस ऑफ हिस्टोलॉजी। तो इन सभी को एक एक करके देखते हैं। इनमें मोड ऑफ इम्प्लांटेशन हम लोग पहले देख चुके हैं, आज शुरू करते हैं हम लोग डिग्री ऑफ एसोसिएशन से। तो नाउ वी विल स्टार्ट क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री ऑफ एसोसिएशन। On the basis of degree of association, placenta is classified into two groups. Non-decidiate placenta and deciduate placenta. मतलब placenta किस हद तक uterine wall से जुड़ रहा है उसके आधार पर दो मुख्य कैटेगरियां हैं, या इनमें से एक और कैटेगरी होती है, तो कुल मिला के तीन मुख्य कैटेगरियां बनती हैं। और ये हैं, पहला है नॉन डेसीडुएट टाइप ऑफ प्लेसेंटा, और यह वह प्लेसेंटा है। डेसीडुएट का मतलब है टूट कर अलग होना। तो जैसा कि इसके नाम में दिख रहा है नॉन डेसीडुएट प्लेसेंटा, यानी कि इसमें प्लेसेंटा जो एम्ब्रियो है वो प्लेसेंटा के द्वारा यूट्रस से बहुत कमज़ोर तरीके से जुड़ा होता है, और पार्चुरेशन के समय यानी चाइल्ड बर्थ के समय यह आसानी से यूट्रस वाल से अलग हो जाता है।
परिणाम स्वरूप ये होता है कि जब प्लेसेंटा यूटराइन वाल से अलग हो रहा होता है तो यूटराइन वाल को कोई नुकसान नहीं होता, बल्कि बड़े आसानी से प्लेसेंटा अलग हो जाता है और यूट्रस की वाल क्षति बिना क्षति के बची रहती है, एज सच इंटैक्ट बनी रहती है। इस तरीके का प्लेसेंटा पाया जाता है पिग में, पशुओं में यानी कैटल में, हार्स में इत्यादि, इन सारी चीज़ों में मिलता है। और इसका जो दूसरा प्रकार है वो डेसीडुएट टाइप ऑफ प्लेसेंटा, ये इसका बिल्कुल विपरीत है, यानी कि यहाँ पर प्लेसेंटा बहुत मजबूती से यूटेराइन वाल से जुड़ा होता है और जब यह अलग होता है तो अपने साथ यूटेराइन वाल को भी तोड़ के ले जाता है। परिणाम स्वरूप पार्चुरेशन के समय पर्याप्त मात्रा में ब्लीडिंग होती है क्योंकि यूट्रस की वाल क्षतिग्रस्त हो जाती है। इन डेसीडुएट टाइप ऑफ प्लेसेंटा डिग्री ऑफ एसोसिएशन इज वेरी स्ट्रांग बिटवीन फीटस एंड यूट्रस एंड दिस टाइप ऑफ प्लेसेंटा कॉमनली अकर इन मैन, रैबिट, डॉग, कैट। इट मीन्स इट इज फाउंड इन कार्निवोरस एनिमल्स। तो यहाँ से दो बातें स्पष्ट हो जानी चाहिए। नॉन डेसीडुएट टाइप ऑफ प्लेसेंटा में एम्ब्रियो बहुत हल्के तौर पर या बहुत गहराई से नहीं जुड़ा होता है, बहुत सतही जुड़ा होता है प्लेसेंटा का यूटेराइन वाल से। और एट द टाइम ऑफ पार्चुरेशन यानी कि एट द टाइम ऑफ चाइल्ड बर्थ इट इज़ ईजिली डिटैच्ड फ्राम यूटेराइन वाल, सो नो ब्लीडिंग टेक्स प्लेस। चूँकि इसमें यूट्रस की वाल क्षतिग्रस्त नहीं होती इसलिए इनमें आसानी से पार्चुरेशन हो जाता है और कोई ब्लीडिंग नहीं होती। यह पाया जाता है पिग, कैटल, हार्स में। और इसका दूसरा है, इसका विपरीत है, वो है डेसीडुएट ऑफ प्लेसेंटा, जिनमें प्लेसेंटा बहुत मजबूती से यूट्रस की वाल से जुड़ा होता है और जब यह अलग होता है तो अपने साथ यूट्रस की वाल को भी तोड़ता हुआ बाहर निकलता है। इस वजह से यूट्रस की वाल डैमेज होती है और उसकी वजह से बहुत सारा रक्तस्राव होता है यानी ब्लीडिंग होती है। इस तरीके का प्लेसेंटा मैन, रैबिट और दूसरे मांसाहारी जंतुओं जैसे डॉग है, कैट है, इन सब में पाया जाता है। इसी से मिलता जुलता इसी कैटेगरी में तीसरा एक है जो डेसीडुएट प्लेसेंटा के ही समान है लेकिन थोड़ा वो स्पेशल है, तो उसको हम लोग देखते हैं। प्लेसेंटा ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री ऑफ एसोसिएशन में तीसरा जो प्रकार है उसको हम कहते हैं कंट्रा डेसीडुएट प्लेसेंटा। इस प्रकार का प्लेसेंटा इस बात में स्पेशल होता है कि इनमें भी डेसीडुएट प्लेसेंटा की तरह ही प्लेसेंटा बहुत मजबूती से यूट्रस वाल से जुड़ा होता है लेकिन पार्चुरेशन के समय प्लेसेंटा जो है वो इम्ब्रियो से भी अलग होता है और यूट्रस से भी अलग होता है, यानी कि इम्ब्रियो जो उससे जुड़ा है वो शरीर से बाहर होता है लेकिन प्लेसेंटा इट्सेल्फ बॉडी के अंदर ही रह जाता है। वो यूट्रस वाल को भी क्षतिग्रस्त करता है और जो इम्ब्रियो का बाह्य ये कोरियानिक एपिथेलियम है वो भी उसी से अटैच होके अंदर रह जाता है, टूट जाता है। तो इनमें जो है कोई ब्लीडिंग नहीं होती बल्कि जो प्लेसेंटा है वो एनिमल के बॉडी के अंदर रह जाता है और फिर वह फैगोसाइटिक कोशिकाओं के द्वारा डाइजेस्ट कर लिया जाता है, यानी प्लेसेंटा स्वयं बाहर नहीं आता शरीर से, केवल शिशु का चाइल्ड बर्थ होता है, प्लेसेंटा अंदर ही रहता है और अंदर ही वह डाइजेस्ट कर दिया जाता है। बट इन द मैटर ऑफ डिग्री ऑफ एसोसिएशन इट इज सिमिलर टू डेसीडुएट टाइप ऑफ प्लेसेंटा। जुड़ाव के मामले में यह डेसीडुएट प्लेसेंटा की भांति मजबूती से यूटेराइन वाल से जुड़ा होता है और जन्म के समय उसको क्षतिग्रस्त करता है, उसके कुछ पार्ट को तोड़ता है, तो कुछ ना थोड़ी बहुत ब्लीडिंग इसमें होती है। इन कंट्रास्ट टू नॉन डेसीडुएट टाइप ऑफ प्लेसेंटा जिसमें कि बिल्कुल ब्लीडिंग नहीं होती थी, जो नॉन डेसीडुएट था, डेसीडुएट में काफ़ी ज़्यादा ब्लीडिंग होती है।
कंट्राडिसिडेट में ये इस मामले में स्पेशल होता है कि इसमें प्लेसेंटा शरीर से बाहर नहीं आता बल्कि अंदर ही रोका जाता है और वहाँ वो डाइजेस्ट होके समाप्त हो जाता है। तो ये तीन प्रकार के हो गए, ऑन द बेसिस ऑफ मोड ऑफ एसोसिएशन, नॉन डेसीडुएट प्लेसेंटा, डेसीडुएट प्लेसेंटा एंड कंट्राडिसिडुएट प्लेसेंटा। कंट्राडिसिडुएट टाइप ऑफ प्लेसेंटा पाया जाता है पैरामील्स में और टाल्पा में, टाल्पा मीन्स छछुंदर जो होती है उसमें पाया जाता है। अब हम लोग प्लेसेंटा का जो अगला बेसिस है, क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ बिलाई ऑन कोरियान। कोरियान की सतह पर यानी कि जो इम्ब्रियो है उसकी बाहर की जो सतह है वो कोरियानिक मेम्ब्रेन के द्वारा घिरी होती है, सबसे बाहरी सरफेस। अब यहाँ पर कोरियान ही फीटल की तरफ से प्लेसेंटा बनाने में भाग लेता है और इसके पीछे एलान्टोइस की ब्लड वेसल्स हो सकती हैं जो कि एलान्टोइस से होते हुए कोरियान में जाती हैं, या फिर योक्साइक की ब्लड वेसल्स हो सकती हैं। लेकिन यूटराइन एपिथीलियम के संपर्क में जो भाग आता है वो कोरियान होता है, और कोरियान जो है उस पर कुछ फिंगर लाइक संरचनाएँ बनती हैं, अपवृद्धियाँ बनती हैं, आउटग्रोथ बनता है, और ये जो फिंगर लाइक स्ट्रक्चर हैं इनको बिलाई कहते हैं। ये बिलाई ही यूटराइन एपिथीलियम को बेधती हैं, उनके अंदर जाके उससे अटैच होती हैं। जैसे हम लोग कील किसी दीवार में गाड़ते हैं तो उसी तरीके से जो ये बिलाई हैं वो यूटराइन एपिथीलियम के अंदर धंसती हैं और एक अटैचमेंट बनता है, एक जुड़ाव बनता है। तो ये जो बिलाई हैं वो कोरियान की सरफेस पर किस तरीके से पाए जाते हैं इस आधार पर भी प्राणियों में विविधता होती है, और इस आधार पर भी प्लेसेंटा को अलग अलग प्रकार में बांटा जाता है। तो आइए देखते हैं इनमें कितने प्रकार के प्लेसेंटा हैं। इस प्रकार के प्लेसेंटा में जो पहला प्रकार है वो है डिफ्यूज टाइप ऑफ प्लेसेंटा। डिफ्यूज टाइप का मतलब है कि जब कोरियानिक बिलाई कोरियान की सतह पर पूरी सतह पर फैले होते हैं, समान रूप से एक समान कोरियानिक सतह पर फैले हुए पाए जाते हैं, तब इसको हम डिफ्यूज टाइप कहते हैं। व्हेन कोरियानिक बिलाई आर फाउंड यूनिफॉर्मली स्कैटर्ड थ्रू आउट द सरफेस ऑफ कोरियान देन इट इज नोन एज डिफ्यूज टाइप ऑफ प्लेसेंटा। हियर यू कैन सी बिलाई स्कैटर्ड ऑल ओवर द सरफेस ऑफ कोरियान एज लाइक इन हॉर्स, मेयर, लीमर, पिग एट्सेट्रा। ये जो है घोड़े, मेयर, लीमर, पिग, इन सारे जंतुओं में पाया जाता है, और इनमें जो कोरियानिक बिलाई हैं जिनके द्वारा प्लेसेंटा यूटराइन एपिथीलियम से जुड़ता है वो कोरियान के पूरी सतह पर एक समान रूप से फैले हुए पाए जाते हैं। दूसरा जो इसमें है वो है कॉटिलीडनरी टाइप ऑफ प्लेसेंटा। इस प्रकार के प्लेसेंटा में जो बिलाई हैं वो एक समान रूप से नहीं फैले होते बल्कि जगह जगह पर समूहों में पाए जाते हैं, तो वो एक झालर की तरह संरचना बनाते हैं कि जगह जगह वो इकट्ठे हैं और कहीं नहीं हैं और कहीं पर संघनित रूप से एक साथ पाए जाते हैं। तो जगह जगह वो स्पॉट बनाते हैं बिलाई का, और अगर इस तरीके का डिस्ट्रीब्यूशन है तो उसे हम कहते हैं कॉटिलीडनरी टाइप ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, एंड दिस टाइप ऑफ प्लेसेंटा इज नोन एज कॉटिलीडनरी टाइप ऑफ प्लेसेंटा। इन दिस टाइप बिलाई फाउंड डिस्ट्रीब्यूटेड इन आइसोलेटेड पैचेज, यानी कि ये जो पैचेज हैं वो एक दूसरे से मिले नहीं हैं बल्कि अलग होते हैं। एक पैचेज है, फिर थोड़ा भाग उसके बिल्कुल जिस पर बिलाई नहीं है, फिर थोड़ी दूर पर दूसरा पैचेज है। तो इस तरीके से छोटे छोटे ग्रुप्स में बिलाई के ग्रुप्स पाए जाते हैं जो कि पूरे कोरियानिक सरफेस पर होते हैं। और इस तरीके का प्लेसेंटा पाया जाता है गोट में, डियर में, सीप में और दूसरे मवेशियों में यानी कैटल्स में। नेक्स्ट टाइप इसमें हम लोग देख इन द क्लासिफिकेशन ऑफ प्लेसेंटा ऑन द बेसिस ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ बिलाई, इनमें जो तीसरा प्रकार है वो है जोनरी टाइप। बिलाई अरेंज्ड इन ए डेफिनेट बैंड एंड इन सर्कलिंग द मिडिल ऑफ कोरियानिक सैक एज लाइक इन कार्निवोर्स। यहाँ पर जो कोरियानिक बिलाई हैं
वो कोरियान की पूरी सतह पर ना मिलकर बल्कि एक निश्चित क्षेत्र में ही पाए जाते हैं। व्हेन बिलाई आर फाउंड इन सर्टेन डेफिनेट रीजन ऑफ कोरियान एंड फार्मिंग ये स्पेशल जोन ऑफ बिलाई, मतलब यहाँ पर जो है जो कोरियान है उसमें कुछ स्पेशल जोन हैं, कुछ स्पेशल क्षेत्र हैं जिनमें बिलाई पाए जाते हैं। अगर इस तरीके का प्लेसेंटा है तो उसे हम कहते हैं जोनरी टाइप ऑफ प्लेसेंटा। इन दिस टाइप ऑफ प्लेसेंटा बिलाई आर फाउंड इन सर्टेन लिमिटेड जोन ऑन द कोरियानिक सरफेस एंड दिस टाइप ऑफ प्लेसेंटा अकर इन कार्निवोरस एनिमल्स, ये मांसाहारी जंतुओं में पाया जाता है। तो ये तीसरा प्रकार का प्लेसेंटा है, जोनरी तरीके का प्लेसेंटा। इनमें एक निश्चित क्षेत्र में ही कोरियानिक बिलाई पाए जाते हैं। और इनमें जो नेक्स्ट है वो है डिस्क्वाइडल टाइप ऑफ प्लेसेंटा। हियर बिलाई लोकेटेड इन ए पैच फॉर्मिंग डिस्क लाइक स्ट्रक्चर, इट अकर्स इन टू सब टाइप्स। कभी कभी ऐसा होता है कि किसी क्षेत्र में ना हो के बल्कि जैसे कि जोनरी टाइप में अमूमन ये होता है कि कोरियान के मध्य भाग में एक बैंड बनता है जो कि चारों तरफ से होता है। एक ये मान लीजिए कि एक गोल संरचना होती है जो गोलाई में चारों तरफ फैली होती है कोरियान के, तो जोनरी टाइप में इस तरीके से होता है। लेकिन जो डिस्क्वाइडल टाइप ऑफ प्लेसेंटा है इनमें स्पेशल डिस्क बनती हैं कोरियान की सरफेस पर, और उन्हीं डिस्क पर ही बिलाई पाए जाते हैं। मतलब यह जो डिस्क है वो किसी एक भाग में होती है, ऐसा नहीं कि जो इम्ब्रियो है उसको उसके चारों तरफ एक बैंड बना रही है, एक रिंग बना रही है, जैसा कि जोनरी टाइप में था। जोनरी टाइप में एक रिंग होता है, खासकर बीच का भाग होता है, और उसी भाग में बिलाई पाए जाते हैं। दोनों जो किनारे होते हैं उधर नहीं होते। लेकिन डिस्क्वाइडल टाइप में पूरा एक रिंग नहीं बनता जो कि चारों तरफ हो, बल्कि एक निश्चित भाग में एक डिस्क के समान भाग में ही बिलाई पाए जाते हैं। और इनमें जो डिस्क का नंबर है उसके आधार पर ये दो प्रकार के होते हैं। पहला है जिसको हम कहते हैं मोनो डिस्क्वाइडल टाइप ऑफ प्लेसेंटा। इस प्रकार के प्लेसेंटा में कोरियान पर केवल एक डिस्क पाई जाती है जिस पर बिलाई बनते हैं, और ये पाया जाता है मैन में और बियर में। इसके अलावा जो इसमें दूसरा प्रकार है उसको हम कहते हैं बाई डिस्क्वाइडल टाइप ऑफ प्लेसेंटा। इनमें बिलाई से युक्त दो ऐसी डिस्कें पाई जाती हैं, इसलिए इसको बाई डिस्क्वाइडल टाइप ऑफ प्लेसेंटा कहते हैं, और यह होता है मंकी में। तो इसमें एक टर्म और आता है मेटा डिस्क्वाइडल टाइप ऑफ प्लेसेंटा। मेटा डिस्क्वाइडल टाइप में कभी कभी ये होता है कि एक डिस्क पहले से उपस्थित होती है, उसके अलावा कुछ भागों में स्कैटर्ड रूप से बिलाई पाए जाते हैं। बाद में विकास के क्रम में ये जो स्कैटर्ड बिलाई हैं ये फिर इकट्ठा होते हैं और एक दूसरा बैंड बना लेते हैं, एक दूसरा डिस्क बना लेते हैं। तो अल्टीमेटली ऐसे जीवों में दो डिस्क हो जाती है। इस प्रकार के जीवों को मेटा डिस्क्वाइडल टाइप ऑफ प्लेसेंटा कहते हैं। ये बाई डिस्क्वाइडल टाइप ही है और मंकी इसका भी उदाहरण है। तो बाई डिस्क्वाइडल टाइप में जो इसका तरीका है विकास होने का, विकसित होने का, उसके आधार पर इसको मेटा डिस्क्वाइडल टाइप ऑफ प्लेसेंटा भी कहते हैं। अब हम लोग अगला देखते हैं। तो प्लेसेंटा के क्लासिफिकेशन के क्रम में जो अगला प्रकार है वो क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ हिस्टोलॉजी। इट इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट बेसिस फॉर द क्लासिफिकेशन ऑफ प्लेसेंटा। हिस्टोलॉजी का मतलब है वे कौन से टिश्यूज हैं जो कि प्लेसेंटा के निर्माण में भाग लेते हैं। तो इससे पहले हम लोगों ने कंपोजिशन ऑफ प्लेसेंटा में देखा था कि प्लेसेंटा में संरचना के आधार पर दो भाग होते हैं। एक भाग मैटरनल पार्ट होता है, दूसरा भाग फीटल पार्ट होता है। मैटरनल पार्ट में तीन भाग होते हैं, यूटराइन एपिथीलियम, यूटराइन कनेक्टिव टिश्यू एंड ब्लड कैपिलरीज। और इसी तरीके से तीन भाग फीटल पार्ट के भी होते हैं, कोरियानिक एपिथीलियम, कोरियानिक कनेक्टिव टिश्यू एंड ब्लड कैपिलरीज। तो कुल मिला के छः ऐसे तरीके के
टिश्यूज हैं जो कि प्लेसेंटा के निर्माण में भाग लेते हैं। अब अलग अलग प्राणियों के प्लेसेंटा में इन छः में से कोई पार्ट उपस्थित हो सकता है, कोई नहीं हो सकता, तो इस आधार पर वे अलग अलग प्रकार के बन जाते हैं। तो आइए इनमें देखते हैं कितने प्रकार के प्लेसेंटा हैं ऑन द बेसिस ऑफ हिस्टोलॉजी। व्हेन वी क्लासिफाई प्लेसेंटा ऑन द बेसिस ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ टिश्यूज टेकिंग पार्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ प्लेसेंटा देन इट इज नोन एज द क्लासिफिकेशन ऑफ प्लेसेंटा ऑन द बेसिस ऑफ हिस्टोलॉजी। और इसमें जो पहला प्रकार है वो है इपिथीलियो कोरियल प्लेसेंटा। अब इसके नाम से ही स्पष्ट है इपिथीलियो कोरियल प्लेसेंटा। इपिथीलियो मतलब यूटेरस की एपिथीलियम है, और इधर जो फीटस की तरफ का सबसे बाहरी भाग है वो कोरियानिक एपिथीलियम है। अब यूटरस की जो एपिथीलियम है इसके पीछे कनेक्टिव टिश्यू होगा, इसके पीछे ब्लड वेसल्स होंगी। जो फीटल पार्ट है कोरियल यानी कोरियान एपिथीलियम, उसके पीछे कनेक्टिव टिश्यू होगा, ब्लड कैपिलरीज होंगी। तो इस तरीके के प्लेसेंटा में पूरे छः प्रकार के टिश्यूज पाए जाते हैं, यानी कि इनमें जो यूटराइन एपिथीलियम है और कोरियानिक एपिथीलियम है वो दोनों एज सच बने रहते हैं, दोनों एक दूसरे को समाप्त नहीं करते बल्कि एक दूसरे से सटे हुए पाए जाते हैं, एक दूसरे के संपर्क में होते हैं, और इसी संपर्क के द्वारा पदार्थों का आदान प्रदान होता है। तो हियर एम्ब्रियोनिक ट्रोफोब्लास्ट एंड यूटेराइन एपिथीलियम रिमेन इन क्लोज कॉन्टैक्ट बट रिटेन देयर ओरिजिनल इंटेग्रिटी एज लाइक इन मार्सुपियल्स एंड अनगुलेट्स। इस तरीके का जो प्लेसेंटा है वो मेटाथीरियन मैमल्स जिसको मार्सुपीलिया कहते हैं, मार्सुपियल्स में पाया जाता है और अनगुलेट्स में पाया जाता है, खुर वाले प्राणियों में जैसे कि पिग है, हार्स है, ऐसे जंतुओं में पाया जाता है। इसमें जो अगला प्रकार है वह है सिंडिस्मोकोरियल प्लेसेंटा। अब इस प्रकार में जो है, इससे पहले वाले भाग में सभी छह परतें थी, यहाँ पर क्या होता है कि फीटल की तरफ से तो तीनों परतें हैं, कोरियानिक एपिथीलियम, कोरियानिक कनेक्टिव टिश्यू, ब्लड कैपिलरीज, बट यहाँ पर जो मैटरनल पार्ट है उनमें यूटेराइन एपिथीलियम प्लेसेंटा के अटैचमेंट वाले भाग से ख़त्म हो जाती है, यानी कि जो कोरियानिक एपिथीलियम है वो यूटेराइन एपिथीलियम को बेधते हुए अंदर जाता है और जो यूटेराइन कनेक्टिव टिश्यू है उसके संपर्क में आता है। तो हियर बिलाई इरोडेड यूटेराइन एपिथीलियम एंड लाई इन क्लोज कॉन्टैक्ट विथ यूटेराइन कनेक्टिव टिश्यू एज लाइक इन डॉग कैट एंड अदर कार्निवोर्स। मतलब यहाँ पर थोड़ा सा जुड़ाव और मजबूत हुआ, जो प्लेसेंटा में यूटेराइन बिलाई हैं वो यूटेराइन एपिथीलियम को बेधते हुए, उसमें धंसते हुए, उसको उसमें होल करते हुए अंदर कनेक्टिव टिश्यू तक पहुँचते हैं और कनेक्टिव टिश्यू से चीज़ों का आदान प्रदान करते हैं। इस प्रकार का जो प्लेसेंटा है वो डॉग, कैट और दूसरे मांसाहारी जीवों में पाया जाता है। तो देखिए, जो चीज़ों का आदान प्रदान है वो तो मुख्यतः जो ब्लड कैपिलरीज हैं मेटरनल साइड से आ रहे हैं, वहाँ ब्लड के द्वारा चीज़ें आती हैं और फिर वो डिफ्यूज़न के द्वारा कनेक्टिव टिश्यूज, और फिर अगर यूटराइन एपिथीलियम सही बची है तो फिर वहाँ से डिफ्यूज होके फिर कोरियानिक एपिथीलियम में आते हैं। लेकिन अब जैसे जैसे कोरियानिक एपिथीलियम अंदर पहुँच रहा है ब्लड वेसल्स के पास में, तो उतना अच्छी तरीके से चीज़ों का आदान प्रदान हो पाता है और उतनी ज़्यादा अटैचमेंट की मजबूती बनती है। अब इसमें नेक्स्ट टाइप का हम लोग देखते हैं, तो दो हो गए, एपिथीलियो कोरियल प्लेसेंटा और सिंडेस्मो कोरियल प्लेसेंटा। एपिथीलियो कोरियल प्लेसेंटा में जो कोरियानिक एपिथीलियम है और यूटेराइन एपिथीलियम है वो दोनों एक दूसरे के कांटेक्ट में रहते हैं। सिंडेस्मो कोरियल टाइप ऑफ प्लेसेंटा में कोरियानिक एपिथीलियम वो यूटेराइन एपिथीलियम को बेधते हुए अंदर तक पहुंचता है और कनेक्टिव टिश्यू के संपर्क में आता है, तो वहाँ से आदान प्रदान होता है। और इसमें जो नेक्स्ट टाइप है वो देखते हैं, तीसरा जो है वो इंडोथीलियो कोरियल प्लेसेंटा।
अब यहाँ पर जो कोरियल विलाई है वो यूटेराइन कनेक्टिव टिश्यू को भी भेदते हुए और अंदर तक पहुँचता है, यानी कि अब वो ब्लड वेसल्स के सीधे संपर्क में आता है। तो हियर यूटेराइन कनेक्टिव टिश्यू इज आल्सो इरोडेड बाई कोरियानिक विलाई, सो कोरियानिक एपिथीलियम लाई इन क्लोज कॉन्टैक्ट विथ द इंडोथीलियम ऑफ मेटरनल ब्लड वेसल्स। जो मेटरनल ब्लड वेसल्स हैं, खून की नलियां हैं, उनकी जो दीवार होती हैं, उनकी जो भित्ति हैं, उनको हम इंडोथीलियम कहते हैं। तो जब कोरियानिक विलाई कनेक्टिव टिश्यू को भी भेदता हुआ और अंदर तक पहुँचता है तो वह फिर सीधे जो ब्लड कैपिलरीज हैं उसके इंडोथीलियम के संपर्क में आता है और वहाँ से वह चीज़ों का आदान प्रदान करता है। तो यह सिंडिस्मोकोरियल प्लेसेंटा से भी एक स्टेप आगे का है, इसमें और ज़्यादा मजबूती से प्लेसेंटा यूट्रस वॉल से जुड़ा होता है और अच्छी तरीके से चीज़ों का आदान प्रदान होता है। इससे नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, जो चौथा है वो है हीमोकोरियल प्लेसेंटा, इट इज फोर्थ, एंड हियर द इंडोथीलियम ऑफ मैटरनल ब्लड वेसल्स इज आल्सो इरोडेड, सो द कोरियानिक एपिथीलियम कम्स इन क्लोज कॉन्टैक्ट ऑफ मैटरनल ब्लड। अब ये एक स्टेप और आगे बढ़ गया, यानी यहाँ पर जो कोरियानिक विलाई बन रहे हैं वो मैटरनल की जो ब्लड वेसल्स थी उनको भी भेदते हुए अंदर तक पहुँच जाती हैं, यानी कि कोरियानिक विलाई अब सीधे ब्लड के संपर्क में आते हैं और ब्लड से ही वो चीज़ों का आदान प्रदान करते हैं, और यह पाया जाता है मैन में। तो इनमें देखिए जुड़ाव एक और ज़्यादा मजबूती के स्तर पर हो गया और गहराई से है, और इसमें चीज़ों का आदान प्रदान और मजबूती से होता है। तो ये जो है वो अपने पहले वाले भाग से और ज़्यादा एडवांस है, हीमोकोरियल प्लेसेंटा। इसमें जो है जो फीटल टाइप हैं, फीटल की तरफ का तीनों पार्ट है, यानी कि कोरियानिक एपिथीलियम, कनेक्टिव टिश्यू, ब्लड कैपिलरीज, लेकिन मैटरनल साइड में इसने यूटराइन एपिथीलियम को हटा दिया है, उसको भेद दिया है, फिर कनेक्टिव टिश्यू को भेदा है, फिर जो ब्लड कैपिलरीज हैं उनको भेदते हुए सीधे ब्लड तक पहुँच जाता है, उसके टच में होता है, और इस तरीके का प्लेसेंटा पाया जाता है मैन में। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, जो नेक्स्ट है वो है हीमो इंडोथीलियल प्लेसेंटा, इट इज मोस्ट एडवांस्ड टाइप ऑफ प्लेसेंटा। और इसमें क्या है कि इससे पहले वाले में जो फीटल के पार्ट का था उसमें कोरियानिक एपिथीलियम, कनेक्टिव टिश्यू, ब्लड वेसल्स थे और ये सीधे मैटरनल ब्लड के संपर्क में थे, लेकिन यहाँ पर अब फीटल की जो कोरियानिक एपिथीलियम है वो हट जाती है और फीटल का जो एलॉन्ग विथ द इंडोथीलियम ऑफ मैटरनल ब्लड वेसल्स द ट्रोफोब्लास्टिक एपिथीलियम इज आल्सो इरोडेड। यहाँ पर फीटल के पार्ट का जो कोरियानिक एपिथीलियम है वो नहीं होती, बल्कि कनेक्टिव टिश्यू सीधे जो यूटराइन एपिथीलियम को भेदता हुआ, उसके कनेक्टिव टिश्यू को भेजता हुआ, उसकी ब्लड वेसल्स को भेजता हुआ सीधे ब्लड के संपर्क में होता है, यानी कि यहाँ पर जो फीटस की ब्लड कैपिलरीज हैं वो मदर के ब्लड से सिर्फ फीटल कनेक्टिव टिश्यू के द्वारा ही अलग होती हैं, बाकी बीच के सारे बैरियर समाप्त हो जाते हैं। तो यहाँ पर मैटरनल साइड में यूटेराइन एपिथीलियम नहीं होती, कनेक्टिव टिश्यू नहीं होते, रुधिर वाहिनियाँ भी विलाई के स्थान पर भेद दी जाती हैं वो नहीं होती, और जो फीटल पार्ट है उसमें भी कोरियान एपिथीलियम नहीं होती, वो भी हट जाती है उनके बीच से, और ब्लड सीधे जो मैटरनल ब्लड है वो सीधे फीटल कनेक्टिव टिश्यू के संपर्क में आता है, और चूंकि कनेक्टिव टिश्यू में ही रुधिर वाहिनियाँ होती हैं तो ये कह सकते हैं कि जो फीटल ब्लड कैपिलरीज हैं वो सीधे मैटरनल ब्लड के संपर्क में होती हैं, और इस तरीके का जो प्लेसेंटा है वो पाया जाता है रैबिट में। इसका एग्जाम्पल है रैबिट हीमो इंडोथीलियल टाइप ऑफ प्लेसेंटा, सबसे मजबूत जुड़ाव होता है इसमें हीमो इंडोथीलियल टाइप ऑफ प्लेसेंटा में, और ये होता है रैबिट में। तो इस तरीके से हम लोगों ने देखा कि प्लेसेंटा को
चार आधारों पर वर्गीकृत किया जाता है। एक तो इम्ब्रियो के मोड ऑफ इम्प्लांटेशन इनसाइड द यूटेराइन कैविटी, यूटेराइन कैविटी में इम्ब्रियो किस तरीके से इम्प्लांट हो रहा है उसके आधार पर। दूसरा अटैचमेंट डिग्री ऑफ एसोसिएशन कैसा है उसके आधार पर, डिसीडुएट नॉन डिसीडुएट और कंट्रा डिसीडुएट में हम लोगों ने देखा। इसके बाद जो है हम लोगों ने हिस्टोलॉजी के आधार पर देखे अलग अलग प्रकार से, इसमें पांच प्रकार देखे, और जो है बीच में ऑन द बेसिस ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ बिलाई यानी कोरियान की सरफेस पर बिलाई किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट होते हैं उसके आधार पर भी प्लेसेंटा को क्लासिफाई किया जाता है। अब इसके नेक्स्ट पार्ट में हम लोग प्लेसेंटा का कार्य देखेंगे। चूँकि प्लेसेंटा एक बहुत ही महत्वपूर्ण संरचना है और प्लेसेंटा के द्वारा न केवल न्यूट्रिशन बल्कि जो एक्सक्रीटरी मटेरियल हैं फीटस के वो ट्रांसफ़र होते हैं। इसके अलावा शुरू में चूँकि जो फीटस है उसका इम्यून सिस्टम डेवलप नहीं होता तो प्लेसेंटा के द्वारा उसे मदर बॉडी से एंटीबॉडीज़ मिलती हैं और ये एंटीबॉडी भी प्लेसेंटा के थ्रू ट्रांसफ़र होती हैं। जो इम्ब्रियो के डेवलपमेंट के दौरान जो ट्रीटमेंट होते हैं तो बहुत सारी दवाइयाँ बहुत सारे ड्रग्स भी प्लेसेंटा के थ्रू ही ट्रांसफ़र होते हैं। तो आगे हम लोग इसकी जो महत्व है और जो इसका रोल है उसके बारे में चर्चा करेंगे। इस वीडियो में इतना ही। इसमें जो था फीटल कैपिलरीज लाई फ्रीली इन मैटरनल ब्लड एज लाइक इन रैबिट, तो फीटल ये तो हमने बता ही दिया, फीटल कैपिलरीज जो है वो मैटरनल ब्लड के सीधे संपर्क में आते हैं। तो ये जो है प्लेसेंटा पार्ट टू था। इसके बाद हम लोग प्लेसेंटा का जो फंक्शन है और जो उसका इम्पोर्टेंस है आज के मेडिसिनल साइंस में उसको देखेंगे। मोस्ट थैंक्स टू ऑल द व्यूअर्स।